नमस्कार दोस्तों, तो कैसी है मेरी पहाड़ी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो पहाड़ों में हो चुकी है सुबह, अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 बजे का टाइम हो रहा है और मैं जा रहा हूँ कसैली मार्केट को, दूध की बाल्टी लेके डेयरी पे जाना है। तो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करेगा हमारे ऐसे आने वाले लेटेस्ट ब्लॉग के लिए। तो दोस्तों देखिए, थोड़ा पैदल 15-20 मिनट का वॉक है, तो उसके बाद चलते हैं कसैली मार्केट और दूध पहुंचाते हैं। और मैं सबसे पहले आपको सुबह का प्यारा सा मौसम दिखाता हूं। पहाड़ों में बढ़िया धूप आ चुकी है, तो सबसे पहले सुबह का प्यारा सा मौसम देखिए। और मेरे हाथ में अभी दूध की बाल्टी, ये देखिए दूध की बाल्टी ले जा रहा हूँ। तो दूध तोलते हैं और उसके बाद दिन स्टार्ट करते हैं। काम में भी जाना है, बहुत कुछ अभी काम है दिन भर, तो ब्लॉग पर बने रहिएगा। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहुंच चुका हूं रोड में, जो हमारे मेन रोड है, आप लोगों को तो पता ही है। और व्यू देखिए, काफ़ी खूबसूरत व्यू देखने को मिल रहा है आज मॉर्निंग के टाइम में। अभी हूं मैं कसैली मार्केट पे और नीलकंठ रेस्टोरेंट की छत पे खड़ा हूं। सामने हमारा शिवालय मंदिर और नज़ारे कुछ इस प्रकार हैं। बढ़िया क्लाउड आसमान में छाए हुए हैं, बड़ा मस्त मौसम लग रहा है सुबह के टाइम में। ये देखिए, मैं पूरा 360 व्यू दिखा रहा हूँ आप लोगों को। और जो ये नीचे रोड दिखाई दे रही है, भलुगाड़ वाटरफॉल रोड, और मस्त व्यू देखने को मिल रहा है। और सामने हमारा गांव गजार। और ये चहल पहल है अभी कसैली मार्केट पे, लोग आ रहे हैं अपने, कुछ सुबह दूध देने आते हैं तो कुछ अपने काम की वजह से इधर उधर जा रहे हैं। तो थोड़ी सी चहल पहल दिखाई दे रही है कसैली मार्केट में अभी सुबह के टाइम में। और ये सामने हमारा भोलेनाथ का मंदिर। तो मैं चलता हूँ चौखुटा की तरफ और वहीं जाके आगे का ब्लॉग। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं चौखुटा साइड पे और यहां पे जो दिन में आज काम होगा मैं आपको समझाता हूं। तो पहले व्यू दिखाता हूं यहां से, जो व्यू आ रहा है अभी सुबह के टाइम में, काफ़ी मस्त व्यू देखने को मिल रहा है। और पीछे चल गई है साइड, सभी वर्कर यहां पर आ चुके हैं। तो पहले मैं आपको काम दिखा समझाता हूं किस प्रकार यहां पर आज काम होगा। ये है मॉर्निंग व्यू जो चौखुटा से अभी आ रहा है। धूप काफ़ी अभी हल्की हुई है, धूप देखिए बादलों के बीच में अभी सूर्य है तो धूप हल्की हुई है। और सामने ये 2-3 नींबू के मस्त पेड़ देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों मॉर्निंग का टाइम है और काम यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। हमने करनी है रिटेनिंग वॉल की चिनाई। ईंटों की चिनाई पहले कंप्लीट हो चुकी है, कल ही कंप्लीट हो चुकी है। अगर ब्लॉग नहीं देखा तो ब्लॉग जरूर देखिए, आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इस वाली रिटेनिंग वॉल की चिनाई करनी है। ईंटों की चिनाई कल कम्प्लीट होगी है और ऊपर करी जा रही है मिट्टी की खुदाई। पीछे भी रिटेनिंग वॉल आने वाली है, ये देखिए। तो इसकी खुदाई करी जा रही है, इसकी नींव खोदी जाएगी। तो इस प्रकार का काम अभी सुबह के टाइम में हो रहा है और नीचे हमारा कार्य चला हुआ है। मैं नीचे चलता हूँ। तो फ्रेंड देखिए, नीचे अभी मसाला तैयार करा जा रहा है और ऊपर रिटेनिंग वॉल पे कॉलम खड़े करे जा रहे हैं और साथ में रिटेनिंग वॉल की यहाँ पे चिनाई करी जा रही है। तो इस प्रकार काम हो रहा है अभी सुबह के टाइम में। तो अभी हो रहा है दोपहर का समय और लंच का टाइम होने जा रहा है। तो लंच के लिए जाते हैं घर की तरफ और देखिए व्यू कितना मस्त आ रहा है। अभी धूप काफ़ी हल्की है तो मैं दिखाता हूँ यहाँ क्या सुबह तक अभी काम हुआ है। तो दोस्तों ये देखिए, सुबह के टाइम में भी हमारी रिटेनिंग वॉल की चिनाई यहाँ पे अभी चली हुई है। लंच का समय होने वाला है और देखिए किस प्रकार यहाँ पर रिटेनिंग वॉल की चिनाई हो रही है। तो ये काम हुआ सुबह के टाइम में और थोड़ा बहुत ऊपर मिट्टी की भराई हुई, मिट्टी की खुदाई हुई। तो अभी लंच का टाइम है, चलते हैं घर की तरफ। फाइनली हम पहुँच चुके हैं, चौखुटा साइड से मैं आ चुका हूँ और मजेड़ा साइड से दीपक भाई आ गया है और यहीं पर हमने बाइक लगा दी। यहाँ से आगे हमारा है पैदल। तो अब चल रहे हैं हम लंच के लिए। पैदल रास्ता है यहाँ से, करीब 15-20 मिनट लगेगा। और देखिए व्यू दोपहर के समय में, मज़ा आ जाएगा आपको भी इस तरह का व्यू देखकर। दोस्तों लंच के बाद हम चल दिए हैं चौखुटा की तरफ, अभी जा रहे हैं कसैली मार्केट होते हुए। पहुंच चुके हैं कसैली मार्केट में। ये हैं कसैली मार्केट के नज़ारे अभी दोपहर के समय में और सुनसानी हुई है थोड़ी बहुत। ये नीलकंठ रेस्टोरेंट, तो चलते हैं चौखुटा के लिए।
तो फ्रेंड अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और मैं आया हूँ मजीरा साइड पे, और यहाँ भी मेरे पीछे आप देखिए यहाँ भी रिटेनिंग वॉल का कार्य चला हुआ है। मैं काम दिखाता हूँ आपको सुबह के टाइम में यहाँ पे कितना काम हुआ और अभी क्या काम हो रहा है वो भी आपको दिखाता हूँ, और व्यू दिखाता हूँ यहाँ से, खूबसूरत व्यू आ रहा है अभी दोपहर के समय में और काम यहाँ पे चला हुआ है। ये देखिए फ्रेंड रिटेनिंग वॉल का कार्य चला हुआ है, तो काम इसे फाइनल करते हैं और दिखाता हूँ पहले आपको खूबसूरत मौसम यहाँ से। तो दोस्तों मैं हूँ अभी मजीड़ा साइड पे, और देखिए यहाँ पे भी काम चला हुआ है, रिटेनिंग वॉल की चिनाई हो रही है यहाँ पे, और सामने में हो रही है एक नई रिटेनिंग वॉल की नींव खोदी जा रही है जो ऊपर को स्ट्रेट आएगी, और ये जो ये वाली रिटेनिंग वॉल है एक पार्ट रहा हुआ था इसकी हो रही है यहाँ पे चिनाई, और परसों यहाँ पे DPC डाली हुई थी एक नई रिटेनिंग वॉल की बुनियाद में, तो एक रिटेनिंग वॉल ऊपर को आ जाएगी, एक रिटेनिंग वॉल की बुनियाद यहाँ पे खुद रही है, और लास्ट वाला पार्ट जो ये है इसकी हो रही है अभी चिनाई, ये भी कम्प्लीट हो जाता है तो पूरा एक एरिया कवर हो जाता है इनका। तो ये है अभी दोपहर के समय में यहाँ पे जो मजीरा साइड पे काम हो रहा है। आप लोगों को कार्य कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। तो फ्रेंड काम आप लोगों ने देखा काम कैसे हो रहा है यहाँ पे, और कार्य आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। तो रिटेनिंग वॉल के कॉलम अभी भरे जा रहे हैं और खूबसूरत व्यू अभी दोपहर के समय में मजीरा गाँव से आ रहा है, और ये खेत देखिए इनमें गेहूँ की जमावट धीरे धीरे होने लगी है। ये देखिए फ्रेंड धीरे धीरे जो बारिशें हुई 3-4 दिन की बढ़िया नमी के कारण जो गेहूँ इनमें बोए हुए थे पिछले में मैंने आपको दिखाया हुआ था, तो धीरे धीरे उगने लगे हैं गेहूँ। तो ये है मजीड़ा साइड से अभी खूबसूरत व्यू और खूबसूरत माहौल यहाँ से। दोस्तों ये देखिए जो रिटेनिंग वॉल की चिनाई हुई थी उस पर ऊपर से हल्की DPC करी जा रही है, और जो उसके साथ में कॉलम है उनकी हो रही है भराई ताकि दीवार काफ़ी अच्छी मजबूत बने रहे, और देखिए ऊपर से मसाला इस पर फिर भरा जा रहा है, जो ये छोटे छोटे आपको पत्थर दिख रहे हैं ये इस पर भरान हुआ है ताकि बड़े पत्थरों के बीच में मसाला बढ़िया तरह एडजस्ट हो और बढ़िया दीवार को मजबूती मिले। शाम के 5 बज रहे हैं और मजीड़ा साइड पे हो चुकी है काम की छुट्टी, और जो काम हुआ मैं आपको लास्ट में दिखाता हूँ। यहाँ पे ये सामने रिटेनिंग वॉल की चिनाई करी गई है और इस पर कॉलम भरे गए हैं, और साथ में यहाँ पर रिटेनिंग वॉल की नींव खोदी गई है। तो इस प्रकार का काम रहा आज मजीड़ा साइड पे, और सामने सनसेट होने वाला है, लगभग दिन बढ़ गए हैं 45-50 मिनट लगभग दिन बढ़ गए हैं आजकल। तो चलते हैं कसिया लेक की तरफ और चौखुटा पे दिखाऊंगा वहाँ पे कितना काम हुआ। तो दोस्तों मैं आप पहुँच चुका हूँ चौखुटा साइड पे, और यहाँ पे भी काम की छुट्टी हो चुकी है अभी आप देख सकते हैं, और जो यहाँ पर काम हुआ है आज ये देखिए रिटेनिंग वॉल कम्प्लीट हो चुकी है, जो चिनाइयाँ मैंने सुबह आपको दिखाई ऊपर से DPC भी कर दी है इसके, तो अब जो ये नीचे एरिया रह गया ये साफ होगा, तो सेटरिंग की तैयारी होगी, अब होगी लंटर की तैयारी इस पर। तो यहाँ पर जो काम था वो आपको मैंने दिखाया, इस प्रकार यहाँ काम हुआ। दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ कसियालेक मार्केट में चौखुटा से निकलने के बाद, और कसियालेक मार्केट पे ये है अभी शाम का नज़ारा, और सामने मुक्तेश्वर घाटी, सनसेट अभी हुआ नहीं है और खूबसूरत माहौल अभी बना हुआ है, और सामने ग्रीनरी काफ़ी खूबसूरत जंगल है। तो चलते हैं अब घर की तरफ यहाँ से। फाइनली फ्रेंड पहाड़ों में हो चुकी है मस्त वाली शाम, ये देखिए लाइटिंग पहाड़ों पे, सभी ने अपने घरों की मस्त वाली लाइट जला दी है, तो बढ़िया नज़ारा देखने को मिल रहा है अभी शाम के समय में। तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आप लोगों को ब्लॉग दिन भर का ब्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड शुभ रात्रि।